कैसे बीतेगी कब हो ना भजनवा कैसे बीतेगी अरे कैसे बीतेगी उम्र तेरी कैसे बीतेगी कैसे बीतेगी उम्र तेरी कैसे बीतेगी कब हो कब हो भगवान से कहता है प्रभु हमें निकाल के बाहर करो तुम्हारा भजन करेंगे क्या कहता सह न सको जब कष्ट करब को तीनो को प्रभु नरक से बाहर करो भगवान ने कही ठीक है बोले का करेगा बोले भजन करेंगे तुम आओ और जैसे ही बाहर निकल के आयो वायदा भूलो रे बेईमनवा बड़ो बेईमान है यहाँ आए कि संसार में फंस के भूल गयो परमात्मा को लेकिन अब धीरे धीरे बड़े हो रहे माता पिता परिवार में फंस गया बालपन हंसी खेली गमायो आई मस्त जवान बंदी गाओ
अस खेल गमाया आई मस्त जवानी, मात पिता ने करी सगाई दूला दियो बनाई, बन गौ हाथन में कंगन बा। अब देखो, अब देखो थोड़ा जल था अभी तक, अब डबल है, क्या हुआ परमात्मा का भजन कैसे हुआ, अब तो और फंस गया जीव। अभी थोड़े झंझट, अब ज्यादा डबल झंझट हो गए। धूम धाम से प्यार चायो पहली केसरी जावा, धूम धाम से प्यार चायो पहली केसरी जावा, ओ धूम धाम से प्यार चायो पहली केसरी जावा। और अरे दुल्हन के घर में आयो हो, बन गए सजनी के सजनवा कैसे भी तेरी, बन गए सजनी के जावा, और दुल्हन लेके घर में आयो खत्म हुआ सब ड्रामा, बन गए सजनी के सजनवा। अब तो भैया पत्नी घर में या पत्नी के प्रेम में फंस गया जीव। अब धीरे धीरे समय आया भगवान की कृपा तो संता, अब पत्नी से थोड़ा प्रेम कम हुआ तो बच्चों में आ गया। प्रेम तो उतना ही है ना, मन तो एक ही है ना, चाहे भगवान में चाहे संसार में लगा। अब बताया अरे किसियों का किस पी पी करके किस दिन हुए दीवाने, अरे किसियों का किस पी पी करके किस दिन हुए दीवाने, अरे बाप से फिर बाप कहाए हो, अरे बालक से फिर बाप कहाए, अब दादा लगे कहने आए गो छोटो सो ललनवा कैसे भी देगी, आए गो छोटो सो अपने बालक आ गया तो बाप बन गए, और बाप बनने के बाद अब धीरे धीरे बुढ़ापा आने लगा, अब दादा बन गए। कहते हैं अरे कमरी कमान दांत सब टूटे नजरी गई नजराने, अब आंखों से दिखना कम दांत भी निकल के बाहर आ गए। अजी भैया भजन कर ले खाए, अब दांत भी ना रहे, हलुआ पी के भजन कर ले सात की बन जा, है आंखों से दिखना। अरे बोले ऐसी पत्ती सी जड़वाएंगे चना चबाएंगे, बोले अभी भजन, बोले बिल्कुल नहीं, आंखों से दिखना कम, बोले चश्मा लगवा लेंगे क्या फर्क पड़ता। अजी अब तो कमर भी टेढ़ी हो गई है, कानों से बहरे हो गए, बढ़िया मशीन लगवा लेंगे। हाँ? और बोले कमर टेढ़ी हो गई तो बोले ये पलस्तर छूट छूट के गिरने लगा है, ये बाल सब सफेद हो गए, बुढ़ापा आने को है भैया अब भजन कर ले। अरे बोले अभी कान के बाल पहले तो सफेद होते थे ना, राजा दशरथ के कान के बाल सफेद हुए, उन्हें चेतना आ गई कि अब हमें संन्यास लेना चाहिए, और अब महाराज कान के छोड़ो सब खोपड़ी के सफेद है जाए।
कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अजी 10 रुपया की पुड़िया में सब कारे है जाएंगे बोल गोविंद भगवान। हाँ पर भजन ना 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 अभी नहीं करेंगे मेरे बंधु, ध्यान रखना। पलस्तर करने लगा काया व्रत पड़ गई, अरे अब तो भजन कर ले। बोले ना 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 चमन प्रास स्वर्ण भस्मी चांदी भस्मी, अभी तो जवान हो जाएंगे। हाँ पर भजन मौत की 4 घंटी बज गई, लेकिन वो सतर्क नहीं हो रहा है, जीव नहीं मारा। अब तो 5वीं घंटी दौड़े ही महाराज पर तो घंटा बजो है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा चंजीर, जाना पड़ेगा बोरी बिस्तरा पड़े रह गए काल बली का लगा थपेड़ा। इसलिए हमारी कमान ना तो सब टूटे नजरी रही नजराने, अरे खाट बिछाई द्वार पे पड़ी गए, खाट बिछाई द्वार पे पड़ी गए बहुएं मारी नहीं मेरे, कब कब मरी है रे बुढ़नवा। अच्छा एक बार जे मैया तो कछु भाई ज्यादा ही कंजूस कर रही है, ईमानदारी की दद्दा भजन बोलवे में कीर्तन बोलवे ऐसे हर जगह हमने मैया देखी बड़े हर्ष उल्लास से ताली बजाती है गाना बोलती है और जो तो ऐसे सब भाई बैठी खा बताए। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे सभी लोग, बोल गोविंद भगवान की। देखो लली लला तो ठीक है। एक बार माता बहनों सभी लोग देखो जयकारे में कंजूसी नहीं करेंगे क्योंकि रोटी खाए। देखो बाबा जी का रोटी में कंजूसी ना है, ये बात तो सही है। एक बार जोर से फिर लगाएंगे जयकारा, बोल गोविंद भगवान की। देखो मौत के बाद निकाल ले जब 5 किलो खाओ तो 25 जाए है। अब हम आनंद ना आयो। एक बार फिर लगाएंगे जयकारा, बोल गोविंद भगवान की। जयकारे में शर्म मत करो भाई क्योंकि ये भजन में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना।
एक व्यक्ति था, उनका नाम था दानचंद। ध्यान देंगे, हाँ ध्यान देंगे, हाँ ध्यान देंगे। ये भैया हमारे जो है 501 रुपए का सम्मान कर रहे हैं, अनिल कुमार भैया सम्मान कर रहे हैं। सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। और ये हमारे यहाँ श्री अवध बिहारी, ये दद्दा हमारे जो है सेवा निवृत्ति प्रधानाचार्य जी इटावा से चलकर आए हैं, तो मैं उनके लिए बड़ा आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि हमारे लिए बड़े हैं, आदरणीय हैं, तो मेरे लिए पिता तुल्य हैं। मैं आपको स्वयं प्रणाम करेंगे। तो हमारे भैया जो है, हमारे प्रधान जी का ये प्रधानाचार्य जी जो है दद्दा का सम्मान करेंगे मेरे भैया जी। और सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे हमारे श्री अवध बिहारी लाल, ये दद्दा जो हमारे प्रधानाचार्य जी है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां सभी लोग बताएंगे। बोल गोविंद भगवान की। परम आदरणीय पूज्य विदुषी श्री सुनील शास्त्री जी महाराज, पूज्य परीक्षित जी महाराज, व्यास जी के साथ संगति करने वाले संगीत कलाकार महानुभाव, सभा मंच में पधारे हुए संत महंत महानुभाव, कथा प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, बड़े हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि आपके द्वारा इस नगर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया गया। श्रीमद् भागवत कथा तो स्वयं ही अमृत है, लेकिन ऐसे प्रकांड पंडित विदुषी श्री सुनील शास्त्री जी के मुखारविंद से निःसृत होने से वो महामधुर अमृत हो गया है। हमारी सभी क्षेत्र के निवासियों से, भाइयों बहनों से ये निवेदन है, प्रार्थना है कि ऐसे शुभ अवसर पर अपना, यूं तो जिंदगी में काम बना ही रहेगा, ऐसे महापर्व पर ऐसी त्रिवेणी बह रही है जहां आप अपना काम में से थोड़ा समय निकाल कर अवश्य सुने, बाद में पश्चाताप न हो कि हम न सुन पाए। नहीं पता, हम आयोजक जी, परिचित जी और सभी सहयोगी बंधुओं को बार बार प्रणाम करते हैं जिन्होंने ऐसे मोती को लाकर के ये व्यवस्था की। वैभव विलास रस राग रंग रैली बीच, वैभव विलास, अभी स्वामी जी सब बता चुके हैं कि भगवान ने आपको क्या क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, और उसमें हम ऐसे भूल गए कि उसी को भूल गए। जो नहीं करना था सो ही हम करने लग गए, और जो करना था सो ही छोड़ दिया। लेकिन इन लोगों को धन्य है जिन्होंने धारा के विपरीत व्यवस्था करके, आज का युग कैसा हो गया है, पैसा प्रधान भौतिकवादी युग है, पैसा प्रधान हो गया है, भगवान बेदखल कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में भागवत की खैर कहां। ऐसे स्थिति में भागवत की खैर कहां। लेकिन धन्य है ये लोग जिन्होंने धारा के विपरीत ये नाव चलाई और इस अनुष्ठान को पूरा किया। मैं किस तरह उनको प्रणाम कर रहा हूं, वैभव विलास रस राग रंग रैली बीच, भगवान का दिया सब है, आप भूल गए उसको,
वैभव विलास रस राग रंगी रंग रैली बीच भागवत कथा के विचार को प्रणाम। ऐसी स्थिति में कहां गुंजाइश थी कि कोई भागवत कराता।